जिले में टैटू बनवाने के शौकीन लोग हेपेटाइटिस के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि गर्दन के पास या हाथ में टैटू बनवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रोफेशनल टैटू लगवाने वाले जहां इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, तथा अनप्रोफेशनल शिल्पकार महिलाओं को भी बीमार कर रहे हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर टैटू बनवाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। हाथ या शरीर के किसी भी अंग पर असुरक्षित तरीके से गुदवाया गया टैटू हेपेटाइटिस या एड्स का कारण बन सकता है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि टैटू पहले लोग पहचान के लिए बनवाते थे, लेकिन अब फैशन में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बी जीर्ण संक्रमण है जो लीवर में पड़ा रहता है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि एक ही सुई का कई लोगों पर इस्तेमाल किए जाने पर यह संक्रमण का कारण बन रहा है जो लीवर सिरोसिस या कैंसर का रूप ले सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कहीं तो ये होते हैं कई बात नहीं जी ना 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 कोई नहीं देता है भाई हमारा बन ना कौन दे दिए। हां वो तो सही जो ना थी लोना लोना मैं अभी तक देख करने देख फेंक दे रही हूं ये चलो मैं ना गई रही मैं इंद्र पे आना कोंडा आओ क्रोकोडाइल देखिए, टैटू जो होता है ये एक तरह से पहले पहचान के लिए लोग करते थे, अब ये फैशन के कारण लोग करने लगे हैं। टैटूइंग में निडल प्रिक किया जाता है, अब इसमें अगर असावधानी बरती जाती है और इसको जो है स्टरलाइज ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है तो जो प्रमुख बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस और HIV काफ़ी कॉमन होती है। तो मैं सबसे सलाह दूंगा या तो डिस्पोजेबल निडल्स के द्वारा ही टैटूइंग कराएं, जिसमें एक बार करने के बाद वो डिस्कार्ड कर दिया जाए। अगर बार बार प्रयोग करने वाली निडल से आप टैटूइंग करा रहे हैं तो उसके स्टरलाइजेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, अन्यथा ये आत्मघाती होता है। सर किस तरह का संक्रमण है ये और महिलाओं को? इसमें जैसे सपोज कि अगर हम हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है और जिस निडल से हमारे टैटूइंग की गई और आप फिर उसी से आपकी टैटूइंग कर दी गई, तो हमारा जो सीरम के थ्रू जो होता है, जो वायरस होता है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आप संक्रमित हो जाएंगे।